शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 25/10/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, शीर्षक है, मीठे मीठे बाप दादा। कहते हैं हम मीठे मीठे बच्चों को कि बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। गुटको माने जैसे कोई पानी पी जाता है, डूब जाता है, तो फिर वो जैसे सांस लेने के लिए गुटके खाता रहता है। बाबा कहते हैं दुख दर्द अशांति के बार बार इस दुनिया में सभी गुटके खाते हैं, तो उनको दुख दर्द से हमें छुड़ाना है। तो तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। हम आत्मा रूपी सीताएं शोक वाटिका में हैं रावण की, अब हमें बाबा की अशोक वाटिका में चलना है। इस विषय वैतरणी नदी से पार करते करके जाते हो। प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? तो उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, क्योंकि हम याद में बैठते हैं तो इस पांच तत्वों को छोड़कर और ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ की कोई भी आवाज हमें नहीं सुनाई पड़ती और ज्ञान में विघ्न पड़ता है। लेकिन जब हम ज्ञान में सुनते हैं तो कर्मेंद्रियों का आधार लेके सुनते हैं तो विघ्न पड़ता है। लेकिन याद में फिर किसका सूक्ष्म विघ्न पड़ता है? माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान रहो, किससे? माया से। माया का घूंसा मत खाओ। माया ऐसे ठोसा मारती है तो उसका वो मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की जो स्क्रीन है उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ, फास्ट दौड़ो, यानी फास्ट पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, ज्ञान के सभी अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। सब बाबा के जो भी गुण हैं वो हमें धारण करने हैं। नंबर दो, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कर कोई भी विकर्म नहीं करना है, अर्थात वो सजा देने वाला बाबा का राइट हैंड है, तो याद रखना है विकर्म करेंगे तो वो सजा देंगे। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान है, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं, सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। वो स्थूल तिलक हुआ, परंतु ज्ञान में स्मृति कौन सी? आत्मिक स्मृति, परमात्म स्मृति ही हमारा तिलक है, तो उसका बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक दिया है। एक स्व की स्मृति का तिलक, दूसरा बाप की स्मृति का तिलक, और फिर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति का तिलक। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले
अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। अतः हम अमृत वेले तीनों स्मृतियों का तिलक अवश्य लगाएं। स्लोगन है आज का, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो और सभी के प्रति अच्छा अच्छा सोचते रहो, स्वयं के प्रति भी अच्छा सोचो तो सब अच्छा हो जाएगा। किसने कहा? स्वयं शिव भगवान वाच। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति।